चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये शब्द आज भी हर भारतवासी के दिल में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और हम सबको आजादी के उस दौर की याद दिलाते हैं जब झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। तब से भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ झांसी का भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उसी झांसी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस बार रक्षा क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में हो रहा है। डिफेंस कॉरिडोर के लिए अब तक 4,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हो चुके हैं। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी व चित्रकूट को जोड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के लिए विश्व स्तरीय रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL अपनी नई इकाई स्थापित करने जा रही है, जहां कई प्रकार के आधुनिक व उत्कृष्ट रक्षा उपकरण अस्त्र प्रणालियां तैयार की जाएंगी, जिनमें विशेष तौर पर शामिल हैं टैंक रोधी संचालित प्रक्षेपास्त्र, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, और पानी में मार करने वाले अस्त्र। साथ ही यहां मिसाइल संबंधी प्रोपल्शन सिस्टम भी बनाए जाएंगे, जिनका उपयोग सभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आने वाले समय में बनाई जाने वाली मिसाइलों में किया जाएगा। इस इकाई के बन जाने से देश की रक्षा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। यहां MSME स्थापित करने की योजना भी बनाई जा रही है। क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ आवासीय टाउनशिप भी स्थापित होने से जहां एक ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वहीं पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलने से हुनर को पहचान मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से झांसी की तस्वीर बदल जाएगी। आज उत्तर प्रदेश भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार।